साले में परसों स्विमिंग पूल आया था बहन के लंड। हाय गाइस वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी के एक और नए ब्लॉग में। जय श्री राम सारे भाइयों को। भाई सबसे पहले तो इस बहन के लोड़े से मिलो। मुझे कल ब्लॉग बनाना था, बहन के लंड दिल्ली भग गया था। इतना मन था मेरा कल ब्लॉग बनाने का, लेकिन जैसे नीचे दोस्त होते हैं ना तो ब्लॉग बन नहीं पाता। बहन चो ऐसी तैसी कर दी पूरे दिन की। तुम्हारा भाई अकेला ही घूमा है बहन चो। तुम्हारा भाई इतने गुस्से में आ गया मैंने कि बहन चुदाया, मैं अकेला ही घूमूंगा। मैं अकेला बहन चो मंदिर गया, पेट्रोल भरवाया और भी दो तीन काम करे थे बहन चो, अकेले ही करे मैंने। मैंने कहा तू बहन चुदा सारे काम अपने आप करे। क्या हाल है भैया, हाय कर दो ब्लॉग में। हाँ ये हुई ना बात। एक बात बताओ, देखो दोस्ती में चूतिया ना कटे और प्यार में धोखा ना मिले तो कुछ है जिंदगी? नहीं नहीं है, होना चाहिए भाई, करना पड़ता है ये सब। कौन सा ऑफिस में भाई? देखो स्विमिंग पूल आ गए हैं। आज का जो ब्लॉग की शुरुआत है वो स्विमिंग पूल से हो रही है। संडे है भाई आज, मैंने कहा फुल रिलैक्स विलैक्स करते हैं। टाइम क्या हो रहा है बहन चो? मैं नहा के निकला था, इस बहन के लंड का फोन आके स्विमिंग पूल चल रहे हैं भाई। इतने मैं जितनी गाली बकूँ कम है ऐसे दोस्तों को। रुको अब तुम बहन चो जरा पेमेंट वगैरह कर दे पहले। डिप्रेशन तो इतना तो कुछ ज्यादा डिप्रेशन है बहन चो। बारिश के मौसम में भी स्विमिंग पूल बताओ, पानी 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 देख के दिमाग को राहत सी मिल जाती। जिस तरह उसके प्यार में डूब गए थे पानी में डूबेंगे ये उसकी यादों में है भैया। जिस तरह प्यार में डूब गए थे उसी तरह पानी में डूबेंगे। अब नहीं, अब उसकी यादों में डूबेंगे। यादों में तो खैर नहीं डूबना भाई। लड़की वड़की नहीं आती क्या? गाइस आते ही गलीच पने पे आ गए हम लोग। गलीच पने की हद पार कर दी है। लोग मुझे देख रहे हैं तो पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं। ऐसे फोन ले कतई नहीं आती भाई। क्या भाई थोड़ी सी आती है, बहुत थोड़ी सी। थोड़ी सी कहते बाकी उसे पूरी कहते हैं। अबे पूरी मुझे बहुत हल्की सी आती है। अगर 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 पानी में तुम गिर के डूबो नहीं तो तुम्हें स्विमिंग आती है। तुम जिंदा हो, गिरे तो प्यार में भी थे बट फिर भी खड़े हो गए, जिंदा हो। बाकी भाई मैंने सोचा था परसों भी ब्लॉग बनाऊं, लेकिन परसों मेरी तबीयत खराब हो गई थी। पता नहीं किस बहन के रोड़े ने लगा दी। अब तुम्हारे भाई ने एक काला धागा बांध लिया है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। और मंदिर मंदिर रोज जाया करो भाई, हो सके तो टाइम मिले तो भाई मंदिर 2 से 3 दिन जरूर जाया करो। तुझे बहन के लड़ने कुछ दंग की बातें करनी आती नहीं आती? पंछियों को तो छोड़ दे, पक्षियों को भी देख रहा भाई। मतलब यार हद कर रखी है भाई। इतना बहन का लंड है ना यार ये, वैसे इतनी गाली बकू कम है। इसकी दिल्ली में एक क्लास होती है पर इसने चश्मा लाया हूँ एक ही है। मैंने कहा मुझे एक ही चाहिए, देख ले। अब उसमें भी दो होते हैं ना, दो आंखों के लिए एक आंख तू रख ले, एक आंख कम है। एक आंख से तो घूमे, एक आंख से ना घूमूंगा भाई। इसकी दिल्ली में क्लास होती है एक, पर ये बहन के लोगों ने टीचर से बोल दिया कि मेरे 2 से 3 क्लास कर दो। अबे 2 से 3 बार जाता है दिल्ली। अब तुम एक बात बताओ, गाली मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए इसे? क्यों मिले गाली? अबे इतना चूतिया कौन करता? जब तेरे बताई थी मैंने कि कल व्लॉग बनाएंगे, तूने कल व्लॉग क्यों नहीं बनाया? वो तो शुक्र है मंदिर होके आया था अकेले बेटा, वरना तेरी गांड फाड़ देता मैं। ओ भाई तूने कल प्री वर्कआउट यूज किया मेरा वाला, पता कैसा लगा? रिव्यू दे उसका भाई, एक नंबर भाई। रात को 5 बजे तक नींद नहीं आई। अबे बहन के लंड कैफीन बहुत ज्यादा था, ऐसे नींद नहीं आई। और बहन भाई देखो, अगर अगर तुम्हें इसका प्री वर्कआउट लेना है तो एक लो मॉन्स्टर, ठीक है, उसमें उसे डालो, फिर देखना तुम पूरे जिम की बहन चोद दोगे। तुम सिर्फ प्लेटों के नहीं चोदोगे, जिम की चोद दोगे, जिम में उठा के फेंक दोगे। तुम डंबल नहीं मारोगे, तुम फिर चार जिम ही मारोगे। जिम को छाती पे रख के मार दिया वही वो नहीं, बाइसेप। अबे बाइसेप पे डंबल छोड़, जिम उठाओ डायरेक्ट, ग्रेट खले के पापा बन जाऊ। गाइस स्विमिंग पूल देखो क्या साफ लग रहा है बहन चो। अगर भाई ये ओके रहा, देख जैसे फिल्टर लगा दियो वेव वेव वाला। अब इस पे गाना लगा दो लो फ्यू वाला। भाई डिप्रेशन में फुल, भाई को छोड़ गई शायद। भाई कह रहा पानी तो मेरे साथ है, वो छोड़ गई। गाइस इतने तुम अपना काफिला देखो, ये ओए ओए इधर दे, हां छोटू दे, छोटे ये ओए ओ ओ। मैं बेटा अंदर घुस गया, मैं नहीं आ रहा 3-4 घंटे से बाहर, इसी में सोऊंगा आज मैं घर भर के छोड़ने। एक काम करिए, जब जैसे बुलाने लगे अंदर डूब जाइयो भैया। जैसे भैया आवाज ले, आवाज मानने आ रहे वहां पहुंच गए स्कूने पे। जैसे वहां पहुंचे फिर यहां आ गए। घूमो यार, घूमो यार, है पानी में नहीं। अरे तैरना किसे, रहना अंदर। स्क्विडल 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 नहीं, पेंगुइन पेंगुइन
पाजी पाजी सोच अगली बार सब मेरी बात सुन। अभी उस दिन दो आए थे, आज पांच आए हैं, अब देखो 20 ले जाएंगे। फिर से कर पूरी इसे बुक कर देंगे। ऐसा नहीं होता, वो ओगेंद को इसको बोला एपिसोड देखा भाई तुमने, जिसमें स्विमिंग पूल क्या करता था वो धूप आ, अरे वो सिर्फ उसके घर पे धूप है, सिर्फ उसके घर पे धूप होती है, बाकी हर जगह बारिश हो रही होती है, वैसा हाल कर देंगे इसका। जो अंकल बैठे हुए अंदर उनके जगह हम बैठ जाएंगे। उठो अंकल। और एक गाइस हम आते ही अपने गलीच पने पे आ गए हैं, हमने हद पार कर दिया बकचोदी कर करके। भाई लड़कों के साथ स्विमिंग पूल आने में कोई फायदा नहीं, इसकी यादों के साथ आओ, पानी में भी डूब जाओगे। ये इतने डिप्रेशन में क्यों है ये भाई? बहुत डिप्रेशन में है क्या भाई? तू साले दिल्ली क्लास लेने आता है क्या? करने आता है क्या? डुबाएगा जब उसकी यादों ने डुबा रखा है। मैं क्या सोच रहा हूँ, नाम करते हैं भाई, कितने रुपए खरीद जाएगा? कितने रुपए? 150 रुपया, 150 रुपये में तार इसकी एंट्री भी नहीं एक दिन की। भाई महंगा हो जाएगा वैसे यार काफी। क्या कहते हो गाइस, स्विमिंग पूल खरीद लूँ? एक स्विमिंग पूल बन जाएगा 70 में, 100 के सब्सक्राइबर पे एक स्विमिंग पूल। ये वो यार ये दिन का कितना कमा लेता होगा बहन चो? 1000 रुपये तो अभी कमा लिया हमसे यार, अभी आ गए 5 तो यही है। तो बहन चो कैसे चूते से लग रहे हैं? भाई बहुत छापते यार ये बंदे बहन की चूत यार। 200 रुपये चल हमसे लिए, 200 रुपये हमसे लिए, मतलब 200 रुपये एक बंदे के लिए, और एक घंटे में कम से कम 10 बंदे तो जाते होंगे इसके अंदर, 5 ही जाते होंगे। ओ बहन चो ये तो 10-15 हज़ार रुपये छाप रहा है एक दिन में, ज़्यादा ही छाप रहा है, और पानी इतना का भी नहीं लगता भाई। बट क्या है ना, आधा जाता हूँ उसको, क्या कहते हैं गाइस, तुम्हारा भाई भी स्विमिंग पूल खरीदेगा बहन की चूत से। पैसा इसी में ही है बट सिर्फ गर्मी गर्मी। सर्दी में तो रोते रहते हैं बेचारे, जमा दिया। अब इस पर आइस स्केटिंग कर रहे हैं। अरे यार ये तो बहुत ज्यादा गंदे बकचोद, ये तो अपने गलीच पने पे आ गया। तो बारिश में निकाल लग, अभी 2 मिनट पहले घुसे बारिश हो गई। अरे बहन की चूत रुक जा। गाइस को फिजिक चेक करो बहन चूत। तुम्हारा भाई की बहन की टांग अपने आप पंप रहता हमेशा, बाल थोड़े पता नहीं कैसे अजीब सो रखे मेरे, बस सोना भाई पीछा ये। गाइस एक बकचोदी हो गई, हम तो चप्पल पहन के चेंज करने लग गए, अब चप्पल उतारने जा रहे हैं, फटाफट चप्पल उतार आए, फिर डुबकी लगाएंगे इसमें बैठ के टांग। तो दोस्तों तुम्हारे भाई को अलाउड नहीं दिया, अलाउड नहीं किया था पहले फ़ोन, लास्ट के 5 मिनट रह रहे हैं अब। देखो भाई मेडिटेशन कर रहा है, और तुम्हारा भाई जाएगा, बाकी मिलो जाते हैं उनसे। डिप्रेशन ने पागल कर दिया भाई। क्या थोड़े से इधर आ जाए, इधर बॉडी, इधर बॉडी तो दिखेगी, उधर बॉडी नहीं दिख रही बहन चोद, पानी आ रहा है पड़ा यार, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे अच्छा लगेगा बस ही सही है। तो दोस्तों स्विमिंग पूल आया करो, अगर आप जिम करते हो तो, नहीं करते हो तो भी आया करो, सही रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। बाकी देखो चोला को क्या लग रहा है, चला जा भाई, क्या लग रहा है देखो तुम इसे, देखो बहन चो, हाँ देख ही रहा हूँ तेरे को, देखा कुछ नजर नहीं आया लोडू, क्यों फोन में नजर आ जाता है? हाँ। मुझे लगा नजर नहीं आ रहा होगा, चल क्यों? ओ भाई वो नीचे बैठ के वो कर रहा है क्या? ओम नमः शिवाय, हाँ बनी ले ले, थोड़ा आगे वो करते आगे करते हैं हल्का सा।
अपने गलीच पने पे बैठ के अपने गलीच पने पे आ गए गाइस। देखो तुम्हारा भाई को स्विमिंग भी आती है। चलो कहाँ लग गया नाखून तेरे? तो बैक पर तो मेरा हाथ है ही नहीं। तो दोस्तों तुम्हारा भाई तैयार हो गया, तुम्हारा भाई तैयार हो गया। मेरे चिल्लाने से कैमरा भी हिल गया। देखो तुम कैमरा भी हिला दे तुम्हारे भाई ने। ब्लू ब्लू फोन, ब्लू टी शर्ट। ये भाई, ये ब्लाइट भाई ब्लू फुल बाल वाल सेट कर रहा है। तुम्हारा भाई तो ऐसे ही है। अब 22 स्किन ड्राई हो जाएगी बहन की टांग फुल। बहन जो पता नहीं निशान पड़ गए मेरे बैक पर साले ने, नाखून ने नाखून मार दिए उछल कूद के चक्कर में। स्विमिंग पूल तो हो गया, अब चलो बाहर मिलते हैं। आशिकों में दिल का मुझे जीना मत सिखा, मुंह ले लंड मुझे चोदना मत सिखा, तेरे पीछे मैंने अपना घर बार छोड़ा। बस बस बस। तो दोस्तों स्विमिंग पूल से तो आया है, अब जरा कुछ खाने पीने जा रहा हूँ। कुछ खाने पीने के साथ कुछ खाने पीने जा रहे हैं यार। यार बैंच बड़ा थक गए पूल से। रात को बंदी से बात करते एक्स याद आती है? नहीं आती तुम्हें? कभी कभी बहुत आती है भाई। अबे एक्स तो आई नहीं बैन के। टैटू को मतलब दिखाओ, देखो टैटू को मतलब। सफर्ड लर्न कॉन्कर्ड, यू आर सफरिंग, यू सफरिंग फ्रॉम फीवर, यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू कॉन्कर्ड ऑल थिंग्स। इसका मतलब क्या है? सफर्ड का मतलब क्या है? सफर करके लर्न लेके कॉन्कर्ड हो जाता है। सफर्ड एक तो अभी क्लियर नहीं आ रहा है। मॉइस्चराइजर मंगाओ भैया, मॉइस्चराइजर भाई, मॉइस्चराइजर ले आओ। इसके अंदर सफर है भाई, सफर किया भाई ने, बहुत सफर किया है। फिर उन्होंने बहुत सारी चीजें सीख ली है, फिर उन चीजों पे कॉन्कर्ड कर लिए इन्होंने, फिर ये चीजें जीत गए। स्माइल कर दे भाई, इधर देख के भाई, इधर देख स्माइल कर दे, इधर देख स्माइल कर दे, स्माइल। गाइस दोबारा से मेरे टाइप के पैक। पानी लाया मैंने उसमें। कितना भाई है? मेन आइटम तो इसके अंदर है। ढक के रखा हुआ है मैंने ऐसे, ऐसे दिखा नहीं सकते कैमरे पे क्या पी रहा हूँ मैं। बिना वर्कआउट करे पंप, इससे भी ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा दो हफ्ते में, तुम देखना। तुम्हारे भाई ने कुछ चेंजेस करे अपने वर्कआउट में, दो हफ्ते बाद थोड़ा तगड़ा हो जाएगा। अभी आपको डायरेक्ट खाना दिखाता हूँ क्या लाया क्या नहीं आया। की तो ऐसे तैसी हो गई बहन चो, अभी तो सेट कराए थे, अभी बेकार हो गए। गाइस देखो चूनो का खाना, इसने अपना खाना मंगा लिया। गाइस पहले मंगाइए चाप, ये खाते हैं मतलब दुनिया में। ये कौन सी है मलाई है? एक नंबर स्वाद। मलाई चाप की बात ही अलग है वैसे, है कि नहीं दीपू भाई? मलाई चाप की बात अलग है वैसे।
ये देखो गाइस पनीर मंगाया है, खा के पता कैसा लग रहा है, टेस्ट रिव्यू। तेज बोल तेज। बढ़िया है, बढ़िया, मस्त मस्त, बेहतरीन बेहतरीन। जहाँ 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 जाते हैं वहीं गंदगी मचा देते हैं, गंदगी दिल में मची पड़ी है, उसे देखने भी चल रही है, पूरे वो पूरे पैसे वसूलना चाहता है। तो दोस्तों खाना पीना तो खा लिया, खाना पीना तो खा लिया भाई, अब जरा देखते हैं क्या करना क्या नहीं करना। तो भाई क्या हाल है भाई के, बढ़िया? अरे बढ़िया बढ़िया, मैं भी बढ़िया। तो भाई दिन पता नहीं कैसा गुजर रहा हमारा, संडे है आज, जैसे जगह के टाइम पास कर लिया। आज वाले ब्लॉग में भी जिम नहीं है, पर मैं इस ब्लॉग में भी जिम डालूंगा अभी, कल कल करेंगे ना कंटिन्यू, कल दोबारा कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं। अभी कुछ खास होगा तो भी रिकॉर्ड कर लूँगा, नहीं कल मिलते हैं, ठीक है? चलो अपना ध्यान रखना, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का दूसरे पार्ट में। भाई पिछले वाले ब्लॉग में भाई जिम नहीं थे तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था, जब तक मैं अपने ब्लॉग में जिम ना देख लूँ ना मुझे भाई मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी, इसलिए इस वाले ब्लॉग में मैं जिम जरूर ऐड करूँगा। मैंने दो पार्ट में बांट दिया है, अभी दूसरा दिन है मेरा। तुम्हारा भाई देखो फुल वाइट पहन गया है, मम्मी ने बोला तो मंडे आज तो वाइट पहन दे, वाइट पहन दीजिए, वो बोला देखो तुमका तड़ लग रहा है, चेस्ट मारेंगे भाई आज, ठीक है? मैं भाई वर्कआउट के बीच में तो बोलूँगा नहीं ज़्यादा, वर्कआउट किया तो एंड में बता दूंगा मैंने क्या क्या मारा था क्या क्या नहीं मारा था, या फिर अभी बता दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है? मेन फोकस मेरा इंक्लाइन पर आता है, इंक्लाइन पर फोकस रहेगा इस बार भी। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा मैं क्या क्या मारूंगा कैसे कैसे मारूंगा, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं, फिर मैटिक एंजॉय करो वर्कआउट से। भाई वर्कआउट तो हो गया, तुम डोला चेक करो बेंचो का, तगड़ा कर दिया तुम्हारा भाई ने, ट्रैक से पार कर दिया, हल्के से ट्रैक से नहीं था बस उसने ऐड की ऊपर इतना तगड़ा। कमेंट करके बताना भाई कैसा लग रहा है, मुंह से बड़ा डोला बेंचो। ओ कितना तगड़ा हो गए ये, देखियो देख रहा दीपू भाई, बैंड चो देख कितना तगड़ा डोला कर दिया है। मेरे ब्लॉग में तू भी आ गया बोलते देखा, हाय बोल, हाय ब्रो, हाय तेरी बाकी तू वायरल हो जाएगा भाई, इतने गाली देते हैं यार मैं क्या करूं भाई। वर्कआउट तो हो गया है, लेट हो गया हूँ बहुत ज्यादा, इसलिए कुछ खाने पीने में जाऊंगा नहीं, बाकी आर्यन भाई से मिलो। हाय गाइस, हेलो गाइस, दिस इज आर्यन सिंह, वेलकम टू न्यू वीडियो ऑफ आर्यन अप कम्युनिटी। भाई मेरे चैनल जाके एक बार व्यू करो अगर तुम अच्छा लगे तो, इसका चैनल आयरन अप कम्युनिटी के नाम से इसका चैनल है, सब्सक्राइब कर देना, अगर सब्सक्राइब जरूर करना और ना लगे तो कमेंट में और कमेंट कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के आना मेरे सारे, तो मैं शिवम भाई भी लिख जाएंगे रोज की तरह भाई। इधर 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 मैं ब्लॉग तेरी वैसे भेड़गण बेकार हो जाएगा, बेकार हट जा भाई। देखो भाई वर्कआउट मेरा वर्कआउट हो गया है, अब मैं भाई कुछ खाने पीने जाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, तो मुझे बस नहीं पे एंड करना पड़ेगा ब्लॉग, अब डायरेक्ट बस घर जाऊंगा, घर जाके मैं कुछ खाऊंगा, खाना खाऊंगा
उसके बाद सो जाऊंगा, ठीक है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर, लव यू सबसे, सारे भाइयों को जय श्री राम। ओए चल व्लॉग एंड कर रहा हूँ भाई, कुछ बोलते, कुछ बोलना चाहता कुछ? जय श्री राम। बाकी भाई बहुत कम बंदे पहुँचेंगे यहाँ तक, मुझे पता बहुत कम बंदे पहुँचेंगे। और भाई अगर, मेरा चैलेंज है, अगर तुम हेटर हो, ठीक है, आओ वेयर हाउस पंजा लड़ाओ, ठीक है, और जो चाहे वो कह जाओ मेरे मुंह पे, मैं मान जाऊंगा। अगर तुमने हरा दिया तो कंट्रोवर्सी कर रहा है सारे भाई, अबे ओए प्यार बांटना, बस बस प्यार बांटना, चल तेरी बहन की टांग। अगर भाई अगर देखो अगर तुम बड़े आम रेसलर हो तो भाई मत आना, क्योंकि मैं हार जाऊंगा, ठीक है। अगर तुम छोटे मोटे रहे तो जा रहा है कि नहीं, बहन गढ़ पूरी की पूरी वो कर रहा है ऐसे तैसे। भाई बस अपना ध्यान रखना, सारे भाइयों को लव यू है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। लव यू सारे भाइयों को, जय श्री राम, जय श्री राम। मिलो मेरे बड़े भैया से, आ जाओ भाई घर, तो सारे भाई को जय श्री राम बोलो पहले। जय श्री राम, ओनली जय श्री राम, ठीक है। चलो भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, सारे भाइयों को लव यू। मेरे जैसा पैदा एक ही बार हुआ, जहाँ बैठे नकली बंदे हम वहाँ नहीं जाते।